क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में घर के बाहर बैठी महिला के गले से अज्ञात बदमाशों ने तोड़ी सोने की चैन। क्षेत्रवासियों के पीछा करने के बावजूद नहीं आए पकड़ में। पीड़िता ने क्रिश्चियनगंज थाने पहुंचकर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चोरों की तलाश में जुट गई। पीड़िता संपत सोमानी पत्नी स्वर्गीय श्याम सुंदर सोमानी निवासी A46A ब्लॉक प्रगति नगर कोटड़ा ने बताया कि 28 दिसंबर समय करीब 4:15 बजे के लगभग मैं अपने घर के बाहर रैंप पर कुर्सी लगाकर बैठी थी। अचानक एक लड़का पीछे से आया और मेरे गले से सोने की चैन तोड़ कर ले गया। मैं उसके पीछे भागी तो दूर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर एक और लड़का अज्ञात चोर को बिठा कर ले गया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। उस समय चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग आ गए, अज्ञात चोरों की तलाश की लेकिन वे नहीं मिले। महिला द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर ASI जगमाल के जिम्मे कार्रवाई सौंपी गई है और CCTV फुटेज के आधार पर अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। कल दिनांक 29/12 को श्रीमती संपत सोमानी पत्नी स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर सोमानी जी निवासी है A46A ब्लॉक प्रगति नगर कोटड़ा, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 28/12/2023 को समय लगभग 4:15 बजे मैं अपने घर के बाहर रैंप पे बैठी थी कुर्सी लगाकर, तो अचानक पीछे से कोई लड़का आया और उनके गले की चेन तोड़ के फरार हो गया और वो किसी साथ वाले की मोटरसाइकिल पर बैठ के रवाना हो गया। इस पर मुकदमा नंबर 814/2023 धारा 392 में दर्ज हुआ है, जिसके अनुसंधान मुझे दी गई है। हमने वहाँ के CCTV कैमरे चेक किए, CCTV कैमरे में दो लड़के आ रहे हैं जिनको हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और साइबर सेल स्पेशल टीम और थाने की स्पेशल टीम इसमें लगी हुई है और जो संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है।